के हमारे दरमियान मौजूद हैं वेटनरी सर्जन डॉक्टर अमर सिंह, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से भी इनका ताल्लुक है, ओपीएस ओवरसीज पाकिस्तानी सॉरी टेरिटरी के वहाँ पे इनका क्या रुतबा है वो खुद बताएंगे, लेकिन मुझे जो दिया गया है इनको में कि वो उनका ताल्लुक ओपीएस से भी है, ओवरसीज पाकिस्तानी सॉरी टेरिटरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मौजूद मेहमान अकरम और मेरे जानिब साथियों अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? मुझे सबसे ज्यादा तो शाफिर से मैंने ट्रैवल किया यहाँ आने के लिए, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज यहाँ लेके आई वो प्रवास आपकी उर्दू है जिसका तर्जुमा करना पड़ता है। बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं कि मैंने एक इनका प्रोग्राम अटेंड किया, दूसरा प्रोग्राम मैंने कहा मैं लाजमी आऊंगा, आप बुलाएं चाहे ना बुलाएं। बहुत शुक्रिया। और इसी उर्दू के सहारे मैंने आपको कहा कि ये काशिफ भाई ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अच्छी बुक इन्होंने बहुत इमिग्रेंट के हवाले से लिखी, उसमें बहुत इन्होंने अपनी एक इमेजिनरी स्टोरी बनाई। और लेकिन इसमें साथ साथ मैं काशिफ भाई को ये भी कहूंगा कि काशिफ भाई जो इमिग्रेंट को मसायल होते हैं उस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करें, उसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको जो है गवर्नमेंट तक लेके जाने में, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हैं और हम जो है पीटीए से मेरा तल्लक है, और दूसरा जो है हमने इंसाफ डॉक्टर्स फोरम जो कि बनाया ही मैंने है, या पहले इंसाफ डॉक्टर्स फोरम नहीं था, जो पीटीए ही का एक विंग था वो मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 600 से ज्यादा हमारे जो एनएचएस के डॉक्टर्स हमारे मेंबर हैं जो यहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं और यहाँ से पाकिस्तान में सर्व करते हैं। और दूसरा जो है ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी का मैं लॉकशायर का प्रेजिडेंट हूँ, वो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वो चैरिटी वर्क है। इसके साथ हम जो है एक मैं थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो है वो लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, एशियन जो लोग हैं मेजॉरिटी जो है काफी करते हैं। और मैं इसमें इसलिए गया हूँ कि हमें दोनों पार्टीज में जाना चाहिए, सब में जाना चाहिए जी, सब में जाना चाहिए। और बहुत सी बातें जो है हम पार्टी के अंदर जाके वो मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बड़े इवेंट्स कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एक इशू उठाया हुआ है कि उर्दू लैंग्वेज वो सिलेबस से खत्म कर रहे हैं, हम उसे पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन में वो डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह काशिफ सज्जाद साहब का जो है इन्होंने इमिग्रेंट के हवाले से कर रहे हैं इवेंट, इसके लिए मैं इनसे कहता हूँ कि मैं आपको हाउस ऑफ कॉमन में आपका एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, वहाँ पे काम रखते हैं, सेशन रखते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं, आपकी बुक भी उसमें डिस्कस होगी और इमिग्रेंट के जो मसाइल है वो भी, और हम और उसमें हम कोशिश करेंगे इमिग्रेशन की जो होम ऑफिस की मिनिस्टर है वो भी वहाँ पे हो, ताकि वो आपके हमारे मसाइल सुन सके और उसको देखे वो, क्योंकि इमिग्रेशन में ज्यादातर हमारे साथ जो एशियन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और वो जो है यूरोपियन जो लोग हैं वो थोड़ा सा बेनिफिशियरी हैं, एंजॉय करते हैं वो थोड़ा सा हमसे ज्यादा। हम चाहते हैं कि इमिग्रेशन में पॉलिसी एक ही हो, इसमें आप लोग बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि आप इसमें फ्रंट पे आए, हम आपकी बैक करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आप हाउस ऑफ कॉमन में इसको डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम अभी माना साहब ने कहा कि ऑडियंस की क्वालिटीज होती हैं, क्वांटिटी नहीं होती, तो मैं एक प्रोग्राम आपको, आप सब आए होकर शेफील्ड में ऑर्गेनाइज करते हैं, इंशाल्लाह वहां पे हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देंगे इंशाल्लाह। डेट काशिफ भाई जो डेट दें वो हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही प्रवास आपकी आपका शुक्रिया, आपकी उर्दू का शुक्रिया। और काशिफ भाई आप लकी हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है और इसी वजह से आप प्रोग्राम इवेंट पे इवेंट किए जा रहे हैं, कल आप स्टॉक ऑन ट्रेंड में थे, आज इधर हैं, परसों कहीं और होंगे,
आपकी माशाल्लाह आपकी टीम आखिरी आज लोगों को आना ये आखिरी है आज लास्ट प्रोग्राम मैनचेस्टर में आखिरी है मैनचेस्टर में आखिरी तो आप मेरे पास आए आप मैनचेस्टर में आखिरी है तो आप मेरे पास आए आप मेरे मेहमान है आप पूरी आप सब मेरे मेहमान है आपको आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया इतना अच्छा और इस पूरी सीरीज आप ऑर्गेनाइज लेके चले हुए और आप सारे मेहमान का शुक्रिया थैंक यू वेरी मच